बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। सुरभि और श्रीसंत के बीच झगड़ों का सिलसिला यूं ही जारी है और अब एक बार फिर से उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है और इन दोनों के बीच का ये झगड़ा इस बार वाकई बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि श्रीसंत बाहर गार्डन एरिया में बैठकर दीपिका, जसलीन, शिवाशीष और अनूप जालोटा के सामने इस बात का खुलासा करते हैं कि जेल की सजा के बारे में जब बात होगी तो हम तो सुरभि को ही नॉमिनेट करेंगे, क्योंकि जब मैं सीक्रेट रूम में था तो उस वक्त ऐसी वीडियो दिखाई गई थी कि सुरभि बाथरूम में स्मोक करके आई थी और उसने सिर्फ एक बार नहीं किया बल्कि वो हर रोज ऐसा करती है, वो सीक्रेट पीती है। और जब ये बात पूरे घर में फैल जाती है तो दीपक को भी इस बात का पता चलता है और वो जाकर सुरभि से कह देते हैं कि श्रीसंत भाई ऐसा कह रहे हैं कि हमारे घर की कैप्टन बाथरूम में छुपकर स्मोक करती है, सिगरेट पीती है। और इस बात को लेकर सुरभि का झगड़ा हो जाता है श्रीसंत के साथ। वो कहती है कि आप कितने घटिया इंसान हो, इस बात का मुझे पता चल गया। इस गेम को जीतने के लिए और कितनी हद तक गिरोगे आप, मतलब झूठे एलिगेशन, तूने मेरे पे झूठा एलिगेशन लगाया है ना, अब तेरे साथ क्या होगा इस बात पर तुझे खुद यकीन नहीं होगा। अब तू देख, इडियट, झूठा, मक्कार और फरेबी भी, तेरी ऐसी फाड़ूंगी ना बेटा कि तेरी पुश्ते याद रखेगी कि यार ये क्या हो गया, तूने गलत लड़के से पंगा ले लिया, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन इस पर श्रीसंत कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं, वो बस अपनी एक्सरसाइज में लगे रहते हैं। लेकिन सुरभि किसी की कोई नहीं सुनती है, बस चिल्लाती रहती है और इस दौरान वो इतना ज्यादा बोल जाती है कि घर के सभी सदस्यों ने शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती है, बस चिल्लाती जाती है और श्रीसंत को न जाने क्या क्या बोल देती है। बिग बॉस 12 से जुड़ी ऐसी ही कॉन्ट्रोवर्सीज, लड़ाई झगड़े, हंसी मजाक, मौज मस्ती और बिग बॉस हाउस से जुड़ी और भी कई खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।